उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की चौथावल थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर चेकिंग के दौरान दो शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, कार और हरियाणा से तस्करी कर लाई गई बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। बता दें कि आने वाले पंचायती और प्रधान चुनावों को लेकर मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक यादव द्वारा अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को चौथावल थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर बुरालसी चौकी पर चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑल्टो कार में सवार दो शराब तस्कर राजदीप और अमित निवासी गढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई 10 पेटी देशी और 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ साथ एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक चाकू और ऑल्टो कार भी बरामद की है। आज जिले में श्रीमान SSP महोदय के आदेशानुसार एक अभियान जो चला हुआ है, चूँकि आगामी प्रधानी के चुनाव भी हैं, ग्राम पंचायत वाले चुनाव हैं, उसी क्रम में अवैध शराब की जो तस्करी होती है उसको लेकर एक अभियान चला हुआ है। उसी क्रम में चरथावल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी करते हैं। उसमें मुखबिर की सूचना पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास से एक अल्टो गाड़ी, एक अवैध तमंचा, एक चाकू और 20 पेटी शराब हरियाणा मार्का की बरामद हुई है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम राजदीप और अमित हैं, जो कि करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अवैध शराब का काम करते हैं। कब से करते हैं फिर ये? अभी उसकी जानकारी की जा रही है, अभी इनको अरेस्ट किया गया। इनके अन्य थानों से मुकदमे भी इसमें देखे जा रहे हैं कि कहां कहां से इन पर अभियोग पंजीकृत हैं और ये कब से इसका काम कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी की जा रही है।